I'm a founder of Digital Sandeep Academy. It's a leading digital marketing institute in Gujarat. So हम लोग digital marketing का पूरा training देते हैं. And पहले तो हम लोग बहुत खुश है इस award, जो ये award हम लोगों को मिला है. So happy क्योंकि इतने साल से जो हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को educate कर रहे हैं. क्योंकि एक चीज़ होता है कि empower करना, एजुकेट करना, उनको जॉब तक लेके जाना, स्टार्टअप करवाना. सो बहुत खुश है हम दोनों, बहुत DSA को जो अवार्ड मिला है. एंड थैंक यू सो मच. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आपको इस अवार्ड के लिए. अब जैसे आपने बताया डिजिटल मार्केटिंग आपकी कंपनी करती है, अब लेकिन AI आ चुका है हर जगह, तो इसका भी कुछ असर पड़ रहा है? 100% देखिए, AI आने से लोगों की ज़िंदगी आसान हुई है. कि पहले जैसे बोलते थे मैनुअल टास्क बहुत ज़्यादा होता था मैडम, लेकिन अभी आप देखेंगे कि लोग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बहुत ही हो. पहले कैसे होता था, एक एक को व्हाट्सअप करना इट्स वेरी टफ, लेकिन AI आने से क्या हुआ कि हम बल्क में व्हाट्सअप कर सकते हैं. पहले एक एक को SMS करना है, कुछ भी चीज़ करना है मैनुअल में बहुत टाइम लगता है. AI आने से इफेक्टिवनेस और इफिशेंसी लोगों की बढ़ी है. तो मैम आप बताइए, 2024 अब बस आने ही वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, तो क्या प्लान्स हैं अपनी वेंचर को आगे बढ़ाने के? मैम अभी तक बहुत प्लान हमने किया हुआ है, और हमने जहाँ पे पहले थे, जिस स्टेज पे थे, अभी तक हम बहुत स्टेज पे हम लोग लेके जा रहे हैं उसको. तो अभी बहुत कुछ प्लान है, और सबके लिए वो चीज़ सरप्राइज रहेगा हमारी तरफ से. हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं मैडम कि जो स्टूडेंट है, बोलते हैं ना कि एक इंडस्ट्री का गैप है, पूरा गैप है. थ्योरिकल चीज़ें अलग होती है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग. उस गैप को हम मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाना है, ठीक है, हर आदमी को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है. तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं या हमारे वहाँ से जो भी पढ़ के जाते हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ें हो. और अब की बार हमारा बहुत सारा प्लान ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों पर एक्सपांड करने वाला है. हाइब्रिड मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ, स्टार्टअप के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं. ऑल द बेस्ट आप दोनों को, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच.